पुंडरी में यूक्रेन से आई लड़की खुशबू ने सुनाई आपबीती। बताया कि कैसे भारतीय लड़कों से हो रहा व्यवहार। खुशबू ने बताया कि भारतीयों के पास ना तो खाने के लिए भोजन है, न ही पीने के लिए पानी। शाम 6 बजने के बाद बिजली पानी काट दिया जाता है। भारतीयों को बाहर आने से रोका जाता है। खुशबू ने बताया कि रोमानिया बॉर्डर पर भारतीय हजारों लड़के इस इंतजार में खड़े हैं कि कब उन्हें भारत की फ्लाइट मिले। खुशबू ने बताया कि 700 से 1000 भारतीय छात्र रोमानिया बॉर्डर पर तीन तीन चार चार दिन खड़े हैं, भारत आने का इंतजार कर रहे हैं। खुशबू ने बताया कि रोमानिया बॉर्डर पर सारे दिन एक छोटी बोतल पानी के साथ एक ब्रांड दिया जाता है। खुशबू ने बताया कि भारतीय छात्र भूख से मर रहे हैं। यह बताया कि उन्हें यहां तक की फ्लाइट का कोई किराया नहीं देना पड़ा। जेपी खाने के लिए फ्लाइट में उन्हें अच्छा भोजन मिला। खुशबू ने बताया कि भारतीय छात्र बंद कमरों में चार चार दिनों से छिपे बैठे हैं, ना ही खाने को मिला न ही पीने के लिए, बल्कि रोमानिया बॉर्डर पर फायरिंग कर वहां से सैनिक भारतीयों को डरा रहे हैं, अच्छा व्यवहार भी नहीं कर रहे। पुंडरी से विजय मिगलानी की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू, आप यूक्रेन कब गए थे? मैं दिसंबर में यूक्रेन गई थी, 9 दिसंबर को। कैसे गए थे, किस सब्जेक्ट को लेके गए थे, क्या थी आप? मैं MBBS करने के लिए गई थी वहाँ पर। कितना खर्चा किया था आपने? खर्चा अभी शुरू में 7 लाख के करीब, जैसे फर्स्ट ईयर का, और बाकी आगे की फीस वगैरह। तो वहाँ कितने दिन आराम से गुजरे और अब आगे क्या हुआ? वहाँ पे शुरू में 2 महीने तो हम आराम से रहे, उसके बाद फिर ये वॉर वगैरह स्टार्ट हो गया, और अभी लास्ट में तो 2 हफ्तों से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे वहाँ पे। परेशानी, युद्ध तो अब शुरू हुआ है, 2 हफ्ते पहले कैसे परेशान थे आप? वहाँ पे यही था कि वॉर की सिचुएशन थी और हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो हमें इंडिया आने के लिए परमिशन नहीं दे रही थी। हम बोल रहे थे उन्हें कि क्लासेस ऑनलाइन कर दीजिए ताकि हम इंडिया जा सकें, वो हमें परमिशन नहीं दे रही थी, और वो बोल रहे थे कि जब तक इंडिया वाले नहीं आपको अलो करते, बुलाते यहाँ पे, तब तक हम क्लासेस ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको नहीं भेज सकते। और यहाँ पे हमारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे उसकी वजह से। रहने की जगह से लेके रोमानिया बॉर्डर तक आपका संघर्ष कैसा रहा, विस्तार से बात? जी, वहाँ पे हम पहले यूनिवर्सिटी से बस में बैठे थे, बस में से हम रोमानिया बॉर्डर आए, बॉर्डर से काफ़ी पहले ही हमें उतार दिया गया था बस से, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जो यूक्रेनियन की गाड़ी वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो रश बहुत ज़्यादा था। 13 किलोमीटर तक हमें वहाँ से चल के बॉर्डर पे जाना पड़ा, और फिर बॉर्डर पे भी हम 6-7 घंटे वहाँ पे खड़े रहे, तब जाके बड़ी मुश्किल से हमें एंट्री मिली है, बॉर्डर क्रॉस किया है हमने। इंडिया के कितने बच्चे वहाँ पे खड़े हैं लगभग? इंडिया के तो बहुत बच्चे खड़े हैं, 6-7 हज़ार के करीब वहाँ खड़े हैं। हाँ जी। खुशबू, ये कहा जा रहा है कि एयर इंडिया वाले डबल किराया वसूल रहे हैं, भारत सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं सर, वहाँ पे ऐसे हमसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, सब कुछ फ्री में हो रहा है, हमें फ्लाइट फ्री में, टिकट दी गई है, और फ्री में वहाँ पे खाना दिया जा रहा है। मतलब सरकार के इस कार्य से आप खुश हो? हाँ जी। लेकिन एम्बेसी से शिकायत है आपको? हाँ जी, एम्बेसी वाले बच्चों का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जब बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बॉर्डर पे बच्चों को वहाँ पे धक्के दिए जा रहे हैं, इंडियन वालों को एंट्री नहीं दी जा रही है, इंडियन के बच्चों को, तो वहाँ पे एम्बेसी वाले हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं जब हम उन्हें फ़ोन कर रहे हैं। खाने पीने का कैसा रहा? खाना भी बॉर्डर पे तो नहीं है, हमारे पास कोई खाने की सुविधा नहीं है, पानी पूरे दिन में एक छोटी सी बोतल पानी की दी जा रही है, और बॉर्डर पे 3-4 दिन बच्चे खड़े रहते हैं, बॉर्डर क्रॉस नहीं होता। खुशबू, युद्ध के दौरान क्या वहाँ बिजली पानी वगैरह काटा गया, जो आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह? हाँ जी, वहाँ पे शाम को बिजली पानी काट दिया जाता था। इस दौरान फिर पानी वगैरह कहाँ से लेते थे? हम पहले से ही भर के रख लेते थे। आपकी यूनिवर्सिटी के पास वगैरह कोई आर्मी आई, US आर्मी या दूसरी अपनी रशियन आर्मी या बम वगैरह फटा कोई आपके? रशियन आर्मी तो नहीं आई, लेकिन हाँ जी, हमारे जहाँ पे हम रहते थे उसकी 300 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पे एक बॉम्ब। समस्याएं आ रही हैं हमारे इंडियंस को, सारी बातें वहाँ पे इंडियंस को खाने लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मार्केट में खाना ख़त्म हो गया है, खाना नहीं मिल रहा है, और पीने के लिए पानी भी ख़रीदना पड़ता है वहाँ पे, और मार्केट में वो भी ख़त्म हो गया है, और हम लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता अगर कुछ लेना हो तो, और कैश भी सारी जगह ख़त्म हो गया है। और जब हम बॉर्डर पर गए थे तो बॉर्डर पर भी वहाँ पर पहले यूक्रेनियंस को निकाला जा रहा था, इंडियंस को पीछे धकेल रहे थे, और इंडियंस को बहुत ज़्यादा चोट भी लग रही थी, बहुत ही बेकार व्यवहार किया जा रहा था इंडियंस के साथ, उन्हें धक्के दिए जा रहे थे, और हमारे सामने रोमानिया के जो आर्मी हैं उन्होंने फायरिंग भी की है बच्चों को डराने के लिए,
जिसकी वजह से इंडियन जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ एकदम से हो गई थी वहाँ पे इकट्ठी, और बच्चे गिर गए थे काफ़ी, उन्हें बहुत चोट भी लगी है। क्या मांगा था आपने? बस हम यही चाहते हैं कि जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके बारे में भी सोचा जाए। कुछ बच्चे कीव में जो हैं बंकर में रहते हैं, वो 3-4 दिन से बंकर में रह रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। उन बच्चों को भी निकाला जाए पहले, और एम्बेसी वालों को बॉर्डर पे जाना चाहिए ताकि वो बच्चों को निकाल सकें, क्योंकि इंडियन बच्चों को नहीं निकाला जा रहा है वहाँ से, पहले यूक्रेनियन बच्चों को ही निकाला जा रहा है। अगर 20 बच्चे निकल रहे हैं उसमें से सिर्फ 5 बच्चे इंडियंस हैं। तो क्या ये लड़ाई गलियों में आ गई है? हाँ जी, गलियों में लड़ रहे हैं। हाँ जी, इससे तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। कीव में बहुत ज़्यादा है ये, कीव में टैंक वगैरह भी आ गए हैं सड़कों पे। हाँ जी, कब आई है यहाँ पे खुशबू को जी? कल रात को लेके आए हम, मतलब शाम को ये 6 बजे करीब वहाँ पे आई थी दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो फिर हम इसको लेने पहुँचे हुए थे वहाँ पे। जब लड़ाई शुरू हुई तब से क्या लगता था आपको खुशबू के बारे में? बहुत डर लगता था जी, मन में बड़ी परेशानी रहती थी, सभी की रात की नींद उड़ गई थी जी, किसी का भी खाने पीने में कोई मन नहीं था, कोई काम में। समझ ही सकते हो पेरेंट्स पे क्या बीतती है जब उनका बच्चा बाहर रहता है। तो अब आ चुकी है खुशबू, कैसा लगता है? अब अच्छा फील दे रहा है, लेकिन अभी उन बच्चों के लिए परेशानी हो रही है जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। एक अकेली खुशबू नहीं जी, वो सभी हमारे बच्चे हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं। क्या नाम आपका? मधुबाला।